गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक। एक्सरसाइज कौन सी थी 8.2, इसका हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कल हमने इसका एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन दिए भी थे, उसी में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने देखा भी होगा, कुछ लोगों ने लगाया होगा, कुछ लोगों ने नहीं लगाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, स्मॉलर एरिया इंक्लोज बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये कह रहे हैं एरिया निकालना है किसका, एरिया इंक्लोज बाय द सर्किल। एक सर्किल है, क्या है, सर्किल है आपकी, कैसी है सर्किल। तो सर्किल जब है आपकी, सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दो इक्वेशन है, इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल आएगा, यानी इनसे जो क्षैतिज भाग का क्षेत्रफल आएगा, ये कह सकते हैं शेडेड डिजाइन आएगा इनसे, इंक्लोज जो इनका एरिया, इंक्लोज इन दोनों को बनाने के बाद जो इंक्लोज एरिया आएगा, एरिया बाउंड्री, उसका निकालना है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर ले, देखते पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आते हैं, यानी प्रच्छेद बिंदु क्या आते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या होता है, प्रच्छेद बिंदु। सबसे पहले प्रच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, वाई की वैल्यू निकाल ले, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक। इसी को इक्वेशन वन मान लीजिए, 2 मान लीजिए, इक्वेशन वन तो ये है, इक्वेशन 2 आपको लाइन की ये दे रखी है, तो वाई वैल्यू निकालेंगे। अब ये वाली उठा के इक्वेशन वन में रखो, तो इक्वेशन वन में अगर हम लोग रख देते हैं, तो इक्वेशन वन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, वाई की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस एक्स का यहाँ होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हो गया माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 4। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इसका 2x माइनस 4x इक्वल टू 0। देखिए इसमें 2x कॉमन है, 2x कॉमन है तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 यही आएगा। अब एक इफ 2x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, एक तो ये आ गई, और इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2 ये आ गई, ठीक। अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से देखिए इक्वेशन 2 से आ गई है, आपकी क्या है y इक्वल टू क्या है, 2 माइनस x है, तो पहले हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 0, x बराबर 0, जब x बराबर 0 यहाँ रखेंगे तो कितना 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो पॉइंट इसका मतलब हमको मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया क्या, 0.2, इसको हम ए पॉइंट नाम दे रहे हैं, क्या 0.2। अब देखिए पुट करिए, अब x इक्वल टू 2 पुट करिए, कहाँ, वही इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 हमने ये लिखी है, तो यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखिए जब रखेंगे 2 तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। तो अगर दूसरा पॉइंट हमको मिल गया, इसका मतलब b क्या मिल गया, 2.0। देखिए हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रच्छेद बिंदु मिल गया। अब हम एक फिगर ड्रा करते हैं, फिगर ड्रा देखिए करते हैं, ये देखिए ये हमने एक्सेस बनाया, क्या बनाया, ये हमने एक्सेस बनाया, ठीक है, फिर से बना लीजिए और फिगर साफ सुथरा बनाइए। ये हमने एक्सेस बनाया, ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। तो सबसे पहले ये सर्किल है, तो सर्किल, ये सर्किल को हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस सर्किल को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये भी तो ले सकते हैं। अच्छा, इसके सेंटर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ये ले सकते हैं, यानी इसका सेंटर 0-0 है, सेंटर कहाँ है, 0-0 है, और रेडियस कितनी है, 2। सबसे पहले इसकी सर्किल बना लेते हैं, ये देखिए हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया, सर्किल थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, ये देखिए हमने क्या किया, सर्किल बनाया, ये देखिए हमने क्या बना लिया, एक सर्किल बनाया, थोड़ा सा और अच्छा बनाइए, ठीक है, ये देखिए हमने क्या बना लिया, एक सर्किल बनाया, ठीक। सर्किल बनाने के बाद में, अच्छा, इसकी रेडियस देखिए कितनी आ रही, 2 आ रही, 2 आ रही, तो ये मान लीजिए यहाँ से ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ जब 2 हो जाएगा और ठीक, और यहाँ पॉइंट भी देखिए कितना आ रहा है, एक 0.2 आ रहा है, एक 2.0 आ रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 और ये 2, तो 0.2 कहाँ हो जाएगा, देखिए 0.2 यहाँ हो जाएगा, 0.2, ये 0.2 हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2.0 बाई 1, ये 2, ये तो इधर का हो गया 2.0, ये बी पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर ए पॉइंट 0.2, 0.2 यहाँ आ गया, ये तो ये दो पॉइंट आ गए, ये आ गया आपका ए पॉइंट आ गया, क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया। अच्छा, अब लाइन की बात करते हैं, तो लाइन कहाँ से जाएगी, लाइन की इक्वेशन क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, तो यही तो, अगर हमने इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया तो पॉइंट क्या है, 0.2, 2.0। अब इसको मिला दीजिए, आप क्या करिए, मिला दीजिए, मिलाने से ये देखिए ये
ये देखिए हमने मिला दिया, मिलाने के बाद में इसको थोड़ा सा और भी कर दीजिए, ये देखिए ये लाइन की इक्वेशन है ये, ठीक है, यहाँ ए पॉइंट है, ये देखिए ये हमने मिला दिया, तो ये लाइन की इक्वेशन है, ये सर्किल की इक्वेशन, सर्किल की इक्वेशन है ये हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, सर्किल की इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन क्या है ये देखिए एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू टू, ठीक। तो अब हमने एक चीज इसमें देख लिया, ये ओ पॉइंट है, ठीक। अब हमने एक चीज देख लिया कि ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला यही घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, अब इसी का निकालना है हमको। ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक हेल्प करने के लिए पॉइंट ले लेते हैं सी, क्या ले लेते हैं सी, कुछ भी ले लीजिए, ठीक। हमने मान लिया सी मान लिया, अब हमें किसका एरिया निकालना है, इस छायांकित भाग का, यानी ये जो पार्ट आ रहा है इसका, ये सर्किल है, देखिए ये सर्किल है और ये लाइन है, तो देखिए ये सर्किल और ये लाइन से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा, यही आ रहा है जो शेडेड है, जो हमने किया है। अब इसका निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले पूरे से अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस करते हमारा आ जाएगा, भाई पूरे का मतलब क्या, ये देखिए जितना जहाँ हमारी पेन चल रहा है, ये जहाँ मार्कर चल रहा है, ये पूरा ये सर्किल ये इतना इतने से अगर हम ये ट्रायंगल माइनस करते तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो बस हम यही कर लेते हैं, चलिए सर्किल की इक्वेशन को इधर लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो सर्किल की इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू का स्क्वायर, कितना है टू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब अगर हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन किसका, ओ बी सी ए ओ, हमें नहीं इसका नहीं निकालना, हमें तो इसका निकालना बी सी ए बी का, किसका निकालना है बी, या ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ ऐसे बोलिए ए बी, ए बी सी और ए बी सी ए, फिर से देखिए हमें इसी को निकालना है ए बी सी ए, ए बी सी ए इसी को निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, पहले पूरा निकाले, ये निकाले और इसे ट्रायंगल माइनस कर दे, तो इसका एरिया किसका निकाले पहले पूरा, पूरा का यहाँ देखिए ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ इसका हो गया, फिर माइनस एरिया किसका कर दे, इस ट्रायंगल वाले को माइनस कर दे तो इस छायांकित के भाग का आ जाएगा, ट्रायंगल का माइनस करेंगे तो आएगा ओ ए, देखिए ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ इसका माइनस कर दें, इसका ओ ए बी ओ, ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। अच्छा अब इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, वाई की वैल्यू निकाल लें, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू कितना है फोर है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये वाई की वैल्यू ये अब पहले हम इसका निकाले हैं ओ ए सी बी ओ का, तो यहाँ लगेगा ये देखिए सर्किल को टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है सर्किल को, तो सर्किल वाली लगा देंगे, सर्किल वाली क्या है वाली फोर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट हम ये बार बार लगाएंगे। अच्छा अब इसमें देखिए ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ ये इस लाइन को टच कर रही, ओ ए बी ओ ये किसको टच कर रही लाइन को, तो लाइन की निकाल लेते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या थी देखिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर टू, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी टू माइनस एक्स, ये देखा वाई की वैल्यू क्या गई, इसकी वाई वैल्यू ये है अंडर रूट फोर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू है टू माइनस एक्स, तो यहाँ रख दीजिए टू माइनस एक्स, इसकी वाई वैल्यू ये आई है, ये सर्किल वाला है और ये लाइन वाला है, तो टू माइनस एक्स। अब बात कर लेते हैं लिमिट की, लिमिट देखिए क्या आ रही है एक्स की, हमको चाहिए लिमिट, तो एक्स की लिमिट देखिए ये है, ये जीरो हो गई लोअर लिमिट, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी टू, जीरो लोअर लिमिट हो जाएगी अपर हो जाएगी टू, तो ये रहा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले इतना नोट करिए, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका फार्मूला होता है, इसको देखिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जीरो से टू, टू का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं जीरो से टू, टू माइनस एक्स डीएक्स, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ इक्वल टू लगेगा, ठीक है, ये तो एक्स है, ये रो बना दीजिए, ठीक है, जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, टू का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन टू, ये हो जाएगा प्लस टू का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, ठीक। ये अभी हम बताते हैं क्या है,
देखिए ये कुछ नहीं, ये फार्मूला है, ये ए का काम कर रहा है, ये एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो पहले बात इसका फार्मूला होता है एक्स अपॉन ए, यानी एक्स ये हो गया ए हो गया टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ये प्लस फिर ए स्क्वायर, ए कितना है टू का, ए है टू तो टू का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए कितना ये एक्स हो गया और ये कितना है टू हो गया, तो ये लगा दिया लिमिट क्या है जीरो से टू, ये लगा दिया। अच्छा इधर आ जाइए टू क्योंकि कॉन्स्टेंट है, टू तो बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा डीएस, डीएस क्या होता है एक्स माइनस एक्स का क्या होता है एक्स पावर वन है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो लिमिट क्या लग जाएगी टू से जीरो। फिर देखिए यहाँ पर टू टू कॉन्स्टेंट है, टू बाहर हो जाएगा तो डीएक्स आएगा, तो डीएस का हो जाएगा एक्स, फिर माइनस लगाएंगे एक्स है एक्स पावर वन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट क्या है टू से जीरो। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ठीक। अच्छा अब इसको हम रख कर लेते हैं, वैल्यू दिखाई दी है ठीक है, अब हम लोग इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, एक्स बाई टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ टू का स्क्वायर फोर, फोर अपॉन टू कितना है टू आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू। अच्छा ये तो आपकी है टू जीरो, यहाँ आ जाइए यहाँ पर कितनी है टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट है टू से जीरो ठीक है। अब हम लिमिट लगाने जा रहे हैं वैल्यू, अब जब हम वैल्यू की लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, पहले अपर लिमिट क्या हो जाएगी पहले टू रख रहे हैं, तो ये टू अपॉन टू थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर टू अपॉन टू अंडर रूट यहाँ पर फोर माइनस और टू का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ फोर ही आएगा भाई, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा प्लस टू साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा फोर अपॉन टू हो जाएगा, ये तो अपर लिमिट हो गई। अच्छा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो जीरो, ये तो पूरा यहाँ जीरो हो गया, ये जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू यानी जीरो, ये जीरो हो गया। अच्छा यहाँ रखेंगे जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, तो ये तो पूरा आपका जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा। तो ये तो रही इसकी, अब यहाँ पे आ जाते हैं पहले अपर लिमिट रखते हैं टू, तो टू देखिए टू टू जा टू टू जा फोर माइनस और यहाँ रखेंगे टू का स्क्वायर फोर, फोर अपॉन टू कितना होता है देखिए टू का स्क्वायर यानी फोर अपॉन टू, ये तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। फिर से देखिए पहले अपर लिमिट का टू, टू टू जा फोर हो गया माइनस टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो टू इंटू जीरो करेंगे जीरो हो गया, फिर वाइल ये यहाँ रखें यहाँ रखें चाहे हम जीरो ही आएगा ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए तो जीरो फोर से फोर करके जीरो तो पूरा जीरो हो गया। अच्छा यहाँ आ जाते हैं टू साइन इनवर्स यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका एक्स अपॉन टू, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहाँ पर वैल्यू, अच्छा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा गलत हुआ, यहाँ एक्स वैल्यू टू है, कितनी है एक्स की वैल्यू कितनी है टू है, तो यहाँ टू रखिएगा ठीक। अच्छा यहाँ पर ये तो जीरो हो गया प्लस टू साइन इनवर्स और ये कितना हो गया वन, वन हो गया। अच्छा ये तो जीरो ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर आइए फोर माइनस फोर अपॉन टू कितना होता है टू, ये हो गया, इतना नोट करिए। अच्छा और थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए जीरो का कोई मतलब नहीं, टू साइन इनवर्स वन किसकी वैल्यू होती है साइन पाई बाई टू की, साइन पाई बाई टू की। अच्छा यहाँ पर आ जाइए फोर से टू जाएगा, फोर से टू जाएगा टू तो ये माइनस का टू हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाइए यहाँ पर और आ जाइए ये टू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा पाई अपॉन टू आ जाएगा और माइनस का टू, ये के टू से टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका आंसर पाई माइनस टू और यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर स्क्वायर यूनिट, तो ये आपका एरिया रहा, क्या रहा एरिया, वो भी किसका शेडेड पार्ट का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, समझ गए नोट करिए। तो इसका आंसर क्या आया पाई माइनस टू, अच्छा इसके आंसर में शायद एन माइनस टू आ रहा था, मतलब वो गलत है एन नहीं आएगा ठीक, ध्यान रखिएगा ये पाई नहीं आएगा, एन की जगह पाई कर लीजिएगा ठीक है, ये पाई माइनस टू ही इसका सही आंसर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, एनी डाउट, मेरे ख्याल से इस हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमें क्या किया इस पूरे ये एरिया से इस ट्रायंगल को माइनस कर दिया और आ गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले लेगा यानी कि छेद में, तो इस तरीके से करेंगे ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।